तो इसमें लोग बात करने वाले टॉप 8 बेस्ट हैकिंग लैंग्वेज के बारे में। जहाँ पर तो सबसे पहले नंबर पे आपको देखने के लिए मिल जाता है असेंबली। जहाँ पर तो असेंबली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और इसमें आपको इजी टू यूज टूल देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी मदद से आप जितने भी वेबसाइट होते हैं या फिर मान लीजिए जो कि यहाँ पर लो एंड डिवाइसेस का कॉम्पोनेंट होता है उसे भी आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। जहाँ पर तो बात करते हैं यहाँ पर अगले नंबर वेबसाइट की, तो अगले नंबर पे आपको देखने के लिए मिलता है रूबी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर तो रूबी जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसका यूज करने के बाद आपका जो कि बिजनेस सिस्टम होता है उसे भी आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। जहाँ पर तो बात करते हैं अगले नंबर लैंग्वेज की, तो अगले नंबर पर आपको देखने के लिए मिलता है जावा। जहाँ पर तो जावा स्क्रिप्ट भी एक बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यदि मान लीजिए इसका नॉलेज रहता है तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी अदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम देखने के लिए मिल जाते हैं, तो वह सभी भी आप वो कंट्रोल कर सकते हैं। जहाँ पर तो बात करते हैं यहाँ पर अगले नंबर लैंग्वेज की, तो अगले नंबर पे आपको देखने को मिलता है पाइथन। जहाँ पर तो जो कि यहाँ पर हैकर लोग होते हैं वह पाइथन को बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो कि पाइथन होता है इसमें आपको इजी टू यूज टूल देखने के लिए मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर इसमें आपको यहाँ पर जो कि लैंग्वेज होता है वह बहुत ही सरल भाषा में होता है, यानी कि बहुत ही आसान होता है इसे यूज करना, तो इसीलिए जो कि हैकर होते हैं वह बहुत ही यहाँ पर लाइक करते हैं इस लैंग्वेज को। तो बात करते हैं यहाँ पर अगले नंबर लैंग्वेज की, तो अगले नंबर पे आपको देखने के लिए मिल जाता है PHP। यहाँ पर तो PHP भी एक बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको यूज करने के बाद आप बहुत ही आसानी से किसी भी यहाँ पर सॉफ्टवेयर को क्रैक कर सकते हैं, जो कि आपको पैड देखने के लिए मिलता है, फिर पैड एक्टिवेशन देखने के लिए मिलता है, उस लाइसेंस को आप यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं, फिर रिमूव कर सकते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर अगले नंबर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो अगले नंबर पे आपको देखने के लिए मिलता है SQL। जहाँ पर तो जो कि SQL होता है इसमें भी आपको बेस्ट है हैकिंग देखने के लिए मिल जाता है, जो कि इन्फॉर्मेशन होता है जो कि डाटाबेस में स्टोर होता है उसे भी आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। तो बात करते हैं अगले नंबर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो अगले नंबर पर आपको देखने के लिए मिल जाता है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर तो इसमें भी जो कि यहाँ पर बिजनेस एप्लीकेशन होते हैं वह सभी को आप यहाँ पर क्रैक कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और भी आपको टूल देखने के लिए मिल जाते हैं। तो बात करते हैं यहाँ पर लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो लास्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पर तो इसको यूज़ करने के बाद जो कि हार्डवेयर लो होता है, जैसे कि यहाँ पर रैम हो गया, फिर अदर कंपोनेंट हो गए, तो उन डिवाइस को आप अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। जहाँ पर तो यदि मान लीजिए जो कि यह सभी लैंग्वेज हमने बताया, किसी भी लैंग्वेज को आप का अच्छा स्किल है तो आप किसी भी डिवाइस को या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर को क्रैक कर सकते हैं। जहाँ पर तो यह सभी आपको बेस्ट हैकिंग लैंग्वेज देखने के लिए मिल जाते हैं, यदि मान लीजिए आप इसे यहाँ पर लर्न कर लेते हैं तो आप एक बेस्ट हैकर बन जाते हैं। ज़्यादातर जो कि इथिकल हैकर होते हैं वह सभी यही सभी लैंग्वेज को यूज करते हैं, क्योंकि इसी लैंग्वेज में जितने भी यहाँ पर वेब पेज होते हैं या फिर मान लीजिए जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं वह सभी इसी पर काम करते हैं, और जो कि यहाँ पर सिक्योरिटी सेक्टर होते हैं वह सभी भी आपको इसी सभी लैंग्वेज में देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ, पर तो हमें उम्मीद आप समझ गए होंगे कौन सा बेस्ट लैंग्वेज है और किसे आपको यहाँ पर लर्न करना चाहिए, किसे पढ़ना चाहिए, जिससे कि आपको बेस्ट से बेस्ट हैकिंग टूल देखने के लिए मिल सके, आप बेस्ट हैकर बन सके। जी हाँ, पर तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।